साथियों, मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं कि जागो जागो, नहीं तो मेरा महाराष्ट्र जो इस देश की आर्थिक राजधानी है, इसे बीजेपी के लोग खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई है, लगातार मैं देख रहा हूं कि जितनी कंपनीज हैं, जितने डेवलपमेंट के काम हैं, वो किसी न किसी बहाने से गुजरात जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री गुजरात के, उसके बाद जो सबसे बड़ी मंत्रालय आता है होम मिनिस्टर, वो गुजरात के, जितने भी मेहमान बाहर से आते हैं सब गुजरात जाते हैं, झूले पे बिठाए झुलाया जाता है उनको। अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं तो गुजरात जाएंगे, चाइना से कोई आएगा तो गुजरात जाएगा। हद हो गई है, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट रुक गया है। डायमंड की मार्केट चलेगी गुजरात, फार्मास्यूटिकल कंपनी गुजरात, टेक्सटाइल कंपनी गुजरात, इस तरह गिनाओगे तो हजारों डेवलपमेंट के काम इस महाराष्ट्र से, जो इस देश की आर्थिक राजधानी, जहां नंगे भूखे लोग, किसान मजदूर, पूरे देश के पूरे हर जगह से, कोने कोने से लोग आकर यहां पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये महाराष्ट्र को कंगाल कर देना चाहते हैं। अभी देखिए, इतनी बड़ी कंपनी आ रही थी वेदांता फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्लांट, जिसमें 1,75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और तुरंत जैसे ही शुरू होता, इमीडिएट 1,00,000 लोगों को नौकरी महाराष्ट्र के लोगों को मिलने वाली थी। चलेगी कंपनी यहां से, नौकरी खत्म। ये कहां मिलेगी अब ये? ये गुजरात में मिलेगी नौकरी। ये मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई पूरी जिंदगी लड़ी, आज उस महाराष्ट्र को हम कमजोर नहीं होने देंगे। हम इस महाराष्ट्र को इस देश की आर्थिक राजधानी और मजबूत बनाएंगे, और हम सब महाराष्ट्र के लोग संकल्प देते हैं कि अब महाराष्ट्र से के साथ अगर कहीं भी इसके साथ सौतेलापन किया गया तो हम सड़क पर उतरेंगे पूरे महाराष्ट्र के लोग, और इसका विरोध करेंगे, और महाराष्ट्र को भारतवर्ष का सबसे अच्छा, सबसे मजबूत हम स्टेट बनाएंगे।